R E A C H, reach. So it dash up again and again to pluck the grapes. So it jumped, J U M P E D, jumped. So it jumped up again and again to pluck the grapes. बार-बार वो jump कर रही थी उस grapes को, अंगूरों को पकड़ने के लिए. बट इट कुड नॉट कुछ द डैश लेकिन वो पहुंच ना सकी ग्रेप्स तक यानी अंगूरों तक बट इट कुड नॉट रीच दी आर ए पी एस ग्रेप्स एंड द नाइंथ इज एट लास्ट आखिरकार इट डिसाइडेड टू डैश फ्रॉम देयर इट डिसाइडेड टू गो अवे फ्रॉम देयर आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उसे वहां से चले जाना चाहिए यानी वो वहां से चले जाए और आखिर में गोइंग जाते हुए इट वो कह गई यानी ये अंगूर खट्टे हैं दिज ग्रेप्स आर सोर एस ओ यू आर सोर, सोर। दोबारा रिपीट करते हैं फॉक्स वेड टू रीच दैम आर ई ए सी एच रीच सो इट जम्प्ड J-U-M-P-E-D jumped up again and again to pluck up the grapes, but it could not reach the grapes. At last, it decided to go away from there. While going, it said, These grapes are sore. I hope you understand this and enjoy it. The moral lesson of the story is that. डू वर्क हार्ड टू रीच द गोल्स यानी जो लेना है हासिल करना है तो उसको कोशिश करो सख्त कोशिश करो वर्क हार्ड ओके इसके अलावा आपने ये इसको अच्छी तरह याद करना है लर्न इट एंड राइट इट इन अ नीट वे थैंक यू